हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी में। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। मैं रोहित आरब, आपका गुरु, आपका दोस्त। आपके लिए आज का वीडियो जो लेके आया हूँ वो है ओवरहेड लाइंस की टेबल को समझने के लिए। ये मानिए कि आप में से काफ़ी लोगों को ओवरहेड लाइंस की टेबल समझने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, और आई भी क्यों ना, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं कि आपको इतना याद नहीं करना, इतना छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आपको अभी ये पता नहीं कि क्या याद करना है और क्या छोड़ना है। कोई बात नहीं, आपकी सारी प्रॉब्लम का एक समाधान यहाँ होता है। पढ़ाई से रिलेटेड तो सारी समस्याओं का समाधान हम करते हैं, बाकी सारी समस्याओं का तो नहीं कर सकते। चलिए फिर, जब ये जो टेबल आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये है AAC कंडक्टर की। किसकी कंडक्टर की? AAC कंडक्टर की। ये देखिए AAC का मतलब क्या रहता है? ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, ठीक है। 1961 में रूल बनाया गया था, रूल नंबर 398 था इंडियन स्टैंडर्ड्स। उस रूल के अकॉर्डिंग ये टेबल आपके सामने हाजिर है। मैंने कहीं से फ़ोटो लिया है, बस आपको यही याद करना है। मुझे मेरा काम बस आपको समझाने का है ताकि आप चीज़ें, फालतू चीज़ें याद करने से बच जाएं, और जो चीज़ें काम की हैं केवल उन्हीं को याद करें। बस इसीलिए मैं तो केवल आपको समझा रहा हूँ टेबल, बाकी तो टेबल आपके पास ऑलरेडी होगी, आप में से बहुत से लोगों के पास। बच्चा, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें बगैर मत जाना। अपने सारे दोस्तों से शेयर करना जिनको ओवरहेड लाइंस की टेबल समझने में दिक्कत होती है, याद करने में दिक्कत होती है। साथ में मैं प्राइज लिस्ट भी लेके आया हूँ आज, कि प्राइज लिस्ट आपको किस प्रकार याद करनी है। मैं अपने तरीके बताऊँगा, बाकी आपके ऊपर वो तरीके अप्लाई होते हैं या नहीं होते हैं वो भी हम धीरे धीरे समझ जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके बच्चा, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल का कोई वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ओके बच्चा, चलिए फिर। तो ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर की टेबल हम पहले यूज़ कर लेते हैं। इससे पहले इसका यूज़ कहाँ किया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ओवरहेड लाइंस के 95% क्वेश्चंस में, बल्कि 99% क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी दिया जाएगा कि आप कौन सा वाला वायर यूज़ करें। मतलब आपसे ये भी बताया जाएगा कि आप AAC वायर यूज़ करें या ACSR एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड वो वाला वायर यूज़ करें, या फिर साथ में 99% क्वेश्चंस में तो उसकी माप भी दे दी जाती है, डायमेंशन भी दे दी जाती है उसकी, कि आप ये वाला वायर यूज़ करें एज इट इज़ एग्जैक्ट। लेकिन जिन क्वेश्चंस में माप ना दी गई हो, उन क्वेश्चंस में हम कैसे करें, किस हिसाब से हम कितने करंट, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी टेबल है ये, काफ़ी कुछ है इनमें याद करने के लिए, तो सारे याद नहीं करने, आपको बस केवल कुछ ही याद करने। टेबल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पहला कॉलम कहता है कोड वर्ड। ये जो इस कॉलम में जो आपको मिलेगा वो इसके नाम है, बायर के कोड वर्ड है। यहाँ लिखा है नंबर ऑफ बायर्स, दूसरे कॉलम में नंबर ऑफ बायर्स मिलेंगे, तीसरे कॉलम में नंबर ऑफ बायर्स, डायमीटर ऑफ बायर्स इन मिलीमीटर। ये जो एक बायर है इसका डायमीटर दिया जाएगा मिलीमीटर में। उसके बाद आगे डायमीटर ऑफ कंडक्टर इन मिलीमीटर, ठीक है। जो पूरा बायर, जो पूरा तार बन के आ गया उसका डायमीटर ये बन जाएगा। अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ कंडक्टर किलोग्राम पर किलोमीटर। ये जो कॉलम है ये कहता है कि एक किलोमीटर की लंबाई में इतने किलोग्राम का वायर यूज हो जाएगा। अगला है अप्रोक्सीमेट अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि ये क्या है कि
किलोग्राम में है, यानी कि एक वायर 363 किलोग्राम वजन कैरी कर सकता है। ठीक है, ये इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है अल्टीमेट। अगला पॉइंट, पहली बात तो अभी तक ना तो हमारे काम का ये पॉइंट है, ना हमारे काम का ये, ना हमारे काम का ये, और हमारे काम के बस ये दोनों हैं बस, और ना हमारे काम का ये। हमारे काम के पॉइंट जो हैं वो ये दोनों हैं और ये आखिरी वाला है, बस आखिरी वाला। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस आखिरी वाले को ही क्यों मार्क किया। अगर हम पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, तो लिखा है कि अप्रोक्सीमेट करंट कैरिंग कैपेसिटी। इट मीन्स टू से कि ये जो है इतने, लगभग इतने करंट तक कैरी कर लेगा वायर, अंदाजन, मतलब आसपास थोड़ा चलेगा, कोई इशू नहीं। तो इतने करंट तक ये वायर, इतने करंट को सक्सेसफुली सिक्योर तरीके से कैरी कर लेगा। इससे ज़्यादा अगर करंट आता है तब इसमें फॉल्ट आने के चांस रहेंगे। ये लिखा है 40 डिग्री टेम्परेचर पर, ये लिखा है 45 डिग्री टेम्परेचर पर। तो आप लोगों को मैं केवल ये वाला कॉलम याद करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, 45 वाला, 40 डिग्री वाला क्यों नहीं बोल रहा, है ना, बात तो है। तो बच्चा 40 डिग्री टेम्परेचर वाला मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मॉडर्न टाइम में 40 डिग्री टेम्परेचर होना आज के ज़माने में नॉर्मल बात है। इसीलिए हम मैक्सिमम टेम्परेचर को कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मान लीजिए कि आप कोई लाइन लगा रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि लाइन आप एक, या अगर आप सर्दी के मौसम में लाइन लगा रहे हैं तो केवल सर्दी के मौसम के लिए लगा रहे हैं, गर्मी के मौसम भी आएगा कि नहीं आएगा उसमें, तो उसके लिए हमें 45 डिग्री टेम्परेचर को ही कंसिडर करना है। आपको केवल सबसे लास्ट वाले कॉलम को देखना है और इन वाले दोनों कॉलम को देखना है, और बाकी सब बकवास, आपके किसी काम का नहीं। बच गए याद करने से। अब अगली चीज, अब ये जो मैं बात बताने जा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा काम की बात है और आपके बहुत ज्यादा यूजफुल है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बात यह है कि करना क्या है आपको, कि अगर जितने भी सर्विस कनेक्शन के क्वेश्चन किए जाएंगे, फिर से सुन लेना, जितने भी सर्विस कनेक्शन के क्वेश्चन किए जाएंगे, जितने भी सब स्टेशन के क्वेश्चन किए जाएंगे, उन सब में यदि AAC कंडक्टर यूज किया गया है तो वो केवल ये वाला ही होगा। फिर से सुन लो आप जो मैं कहना चाह रहा हूं, जितने भी सर्विस कनेक्शन के क्वेश्चन किए जाएंगे और जितने भी सब स्टेशन के क्वेश्चन किए जाएंगे, यदि उनमें कहीं भी AAC कंडक्टर यूज किया गया है तो वो ये मेंटिस ही होगा। ऐसा मैं क्यों बोला, क्योंकि कभी भी किसी भी सर्विस कनेक्शन का और किसी भी सब स्टेशन का करंट 108 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होता, और 108 एम्पियर तक सक्सेसफुली ये मेंटिस नाम के वायर के साथ हम कैरी कर सकते हैं। इसको कंसिडर कैसे करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे 3/3.00, ये लिखा जाता है 3/3.00। ये वाला जो नंबर ऑफ वायर ऊपर लिखे जाते हैं, डायमीटर ऑफ वायर्स नीचे लिखे जाता है, तो ये अपॉन में करके, तो क्या हो जाएगी इस वायर की डायमेंशन, इसका नाम मेंटिस कहीं नहीं लिखना है, आपको लिखना है 3/3.00 mm AAC, इस तरीके से आपको लिखना है। तो एक ट्रिक मिली आपको, क्या मिला ट्रिक, कि सभी प्रकार के सर्विस कनेक्शन के क्वेश्चन में यदि कहीं भी AAC कंडक्टर यूज किया गया तो वो यही वाला होगा 3/3.00 mm AAC कंडक्टर। किसी भी सब स्टेशन के क्वेश्चन में यदि AAC कंडक्टर यूज किया गया तो वो भी यही वाला होगा 3/3.00 mm AAC कंडक्टर, क्योंकि ना तो किसी सर्विस कनेक्शन का ना किसी सब स्टेशन का करंट 108 एम्पियर से ज्यादा कभी आता ही नहीं। ठीक, तो आपको ये अपने माइंड में जरूर अच्छे से बुद्धि में घूस लेना है अंदर को, कि 108 एम्पियर तक 3/3.00
3.0 mm AAC कंडक्टर का यूज किया जाएगा, सबसे जरूरी कंडक्टर है यूज करने के लिए, सबसे ज्यादा जरूरी। यदि ऐसा कभी हुआ कि 11 kV की लाइन में AAC कंडक्टर का यूज करा लिया, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि वो यही वाला कंडक्टर होगा, क्योंकि 11 kV की लाइन का करंट 108 एम्पीयर से ज्यादा बहुत मुश्किल से आता है, जहां पावर कितनी भी क्यों ना हो। तो आपको एक बात सीखने मिली कि एक तो आपके सर्विस कनेक्शन का क्लियर हो गया, सर्विस कनेक्शन में आपको AAC वायर यूज करना पड़ा तो ये यूज करेंगे, और सबस्टेशन में यूज करना पड़ा तो ये यूज करेंगे, और 108 एम्पीयर तक ओवरहेड लाइंस में भी यही यूज करेंगे। एक नई बात सुनिए, अब चूंकि आप वीडियो देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए देख रहे हैं। LT लाइन का अगर क्वेश्चन है, चाहे एग्जिस्टिंग लाइन का हो चाहे न्यू लाइन का हो, LT लाइन का 400 वोल्ट वाली लाइन का अगर क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपसे ये नहीं बताया गया है कि आप कौन से वाले वायर का यूज करें, तो आपको हमेशा AAC कंडक्टर का यूज करना है, ऑलवेज। फिर से सुन लो, यदि LT लाइन का क्वेश्चन है और आपसे ये नहीं बताया गया है कि आप कौन से वाले वायर का यूज करें, तो आपको हमेशा AAC कंडक्टर का यूज करना है, ऑलवेज। अगर नहीं कहा गया है, कहा गया है तो वही करना पड़ेगा जो क्वेश्चन में कहा गया है। ओके बच्चा, चलिए नेक्स्ट। 108 एम्पीयर तक का क्लियर हो गया, आपके 80% क्वेश्चन ओवरहेड लाइंस के 108 एम्पीयर से नीचे हो जाते हैं AAC वाले। आगे बढ़ते हैं। अब यदि 108 एम्पीयर से ऊपर की कहानी हुई तो क्या करेंगे, तो देखिए इसका नाम तो मुझे नहीं दिख रहा है, इसकी डायमेंशन दिख रही है 3/3.35। क्या डायमेंशन है इसकी, 3/3.35। करंट एक तो ये देखना है, करंट कैरिंग कैपेसिटी कहां तक देखनी है, 123 एम्पीयर तक। क्या 3/3.35, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आप वैसे वैसे याद करते चलो। अब पक्का बता रहा हूँ, आप बस थोड़ी देर सुन लो, गारंटी से याद हो जाएगा यार। चार पांच पॉइंट ACSR में और काम आएंगे, ओवरहेड में भी, सर्विस कनेक्शन में भी, सब स्टेशन में भी, हर जगह काम आते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, एकदम याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो 3/3.35 123 एम्पीयर, 3/3.66 136 एम्पीयर, और मेरा ऐसा मानना है कि 136 एम्पीयर तक अगर आप रहने दें तो काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन तब भी आप हो सके तो जहाँ तक ये लाइन खींच रखी है आप प्लीज़ यहाँ तक याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर LT लाइन के क्वेश्चन में ये वाला वायर बहुत यूज़ कराता है, 3/7/3.10 वायर बहुत बार यूज़ कराता है, ठीक है नहीं। तो ये आप वायर यहाँ तक आप याद कर लीजिए, 189 एम्पीयर के करंट तक। ये फालतू के कॉलम आपको याद नहीं करने हैं, नहीं, केवल दो कॉलम याद करने हैं, ये वाले। अगर हम पीछे पहुँचें, क्या लिखा था, 3/3.0 108 एम्पीयर, 3/3.35 123 एम्पीयर, 3/3.66 136 एम्पीयर, 7/3.10 189 एम्पीयर। यहाँ तक तो मैंने याद किया और बिना देखे आपको बता दिया, सेम कहानी, आप भी इसको इजीली याद कर सकते हैं। यहीं तक याद करना, इसके आगे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है। शायद ऐसा कभी कोई क्वेश्चन हो जिसमें आपको जरूरत पड़े, और ये फालतू के कॉलम बिल्कुल याद नहीं करने हैं, केवल ये कॉलम याद करना है और केवल ये वाले दोनों कॉलम, और वो भी केवल मैक्सिमम 6 पॉइंट याद करने हैं। 5 पॉइंट याद करा रहा हूँ आपको बस, में देखो अगर आप पूरे चैप्टर में से 5 पॉइंट याद ना कर सको तो ऐसी पढ़ाई का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, फिर आप खुद सोच के देखो है कि नहीं। तो सारी टेबल आसान कर दी, अब आगे बढ़ जाते हैं। ये भी हैं AAC वाले, इनको हमें याद ही नहीं करना है किसी को भी, ठीक है नहीं, बस बढ़ो आगे। AAC की टेबल समझ में आ गई, साथ में उसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि यूज़ कहाँ करना है। ACSR फुल फॉर्म रहती है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यदि 11 केवी की लाइन है, चाहे न्यू लाइन चाहे कोई एग्जिस्टिंग लाइन, और उसमें आपसे ये नहीं बताया गया कि वायर कौन सा वाला यूज करें, नाम नहीं दिया गया,
तो आप हमेशा ए ए सी वायर यूज करेंगे ऑलवेज, क्योंकि या तो वायर की डायमेंशन दी जाती है या फिर करंट कैरिंग कैपेसिटी दी जाती है। तो यदि करंट यानी कि यदि पावर दे रखी है, पावर दे रखी है और आपको वायर की डायमेंशन नहीं दे रखी, तो आप हमेशा 11 केवी की लाइन में ए सी एस आर कंडक्टर यूज करेंगे ऑलवेज, और एल टी लाइन में कौन सा ए ए सी कंडक्टर। क्लियर ये वाली बात माइंड में अभी बिठा लेना, ट्रिक है। आगे बढ़ते हैं, 99% क्वेश्चंस जो सर्विस कनेक्शन का और सब स्टेशन का हो, यदि उनमें ए सी एस आर कंडक्टर यूज कराया गया है, मतलब वही है। अभी ए सी एस आर कंडक्टर में क्या रहता है कि इसमें चारों तरफ एल्यूमिनियम के तार रहते हैं, बीच में एक स्टील का तार रहता है, और ए ए सी में सारे के सारे एल्यूमिनियम के रहते हैं। तो ये इनके कोड वर्ड हैं स्क्वायरल, और ये नंबर ऑफ वायर्स हैं, एल्यूमिनियम के इतने वायर हैं और स्टील के इतने वायर हैं। ये डायमीटर है एल्यूमिनियम वाले का और ये स्टील वाले का, और ये डायमीटर है टोटल कंडक्टर का, और ये वही है अप्रोक्सीमेट वेट, और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ, और ये करंट कैरिंग कैपेसिटी। यहाँ भी हमें 40 वाले को छोड़ देना है, फालतू के पॉइंट ख़त्म करो ना, तो ये पढ़ना ना ये ना ये, और केवल हमें ये पढ़ना है बस इतना सा, और ये वाला लास्ट वाला कॉलम पढ़ना है ये वाला। तो इसमें आपको दिख नहीं पा रहा होगा, मुँह से बोल दे रहा हूँ, 107 एम्पियर करंट तक 6, इसको लिखा कैसे जाता है ये सुन लो आप, इसको लिखा जाता है 6 ये वाला अपॉन 1 इंटू, ये दोनों सेम है ना, इसलिए 2.11 mm ACSR कंडक्टर। यहाँ इसका मतलब क्या रहता है कि 6 वायर एल्यूमिनियम के हैं, 1 वायर स्टील का है, और इनमें से हर एक वायर का डायमीटर 2.11 mm। आज तक आप में से बहुत से लोगों को इन वायर्स के मतलब ही नहीं बताते क्या होते हैं। फिर से सुन लो आप कि 6 वायर एल्यूमिनियम के, 1 वायर स्टील का, और हर एक का डायमीटर 2.11 mm बना ACSR कंडक्टर। ओके, तो 107 एम्पियर करंट तक किसी भी सब स्टेशन में, किसी भी सर्विस कनेक्शन में 107 एम्पियर से ऊपर करंट आती नहीं। और सबसे मजे की बात, 90% क्वेश्चंस में ये वायर यूज किया जाता है ओवरहेड लाइंस के। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये 11 केवी की लाइन में ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि नहीं। और 11 केवी की करंट आपको खुद को पता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 200 केवी पावर है 200 केवी अपॉन √3 इंटू 11, 11 से काटेंगे तो लगभग आएगा 9 के समथिंग, 19 के समथिंग आएगा, 19 के समथिंग। और जब √3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी करंट जाएगी, कभी भी इसकी करंट 50 एम्पियर से फालतू नहीं जाती। तो सबसे ज़्यादा वायर कौन सा यूज होता है, यही वाला 6 अपॉन 1 इंटू 2.11 mm 107 एम्पियर तक 11 केवी की लाइन में 90% वायर यूज होता है ये वाला, अगर पावर नहीं दे रखी, वो पावर दे रखी है तो। दूसरी बात, अगर पावर नहीं देगा तो वो ऑलरेडी वायर की माप दे देगा, ठीक है ना। अब अगर आपके मन में सवाल उठता है कि वो पावर भी ना दे वायर की माप भी ना दे, तब कौन सा वायर यूज़ करे, तब तो मज़े आ गए समझो, बिल्कुल फ्री, ना तो वायर दिया, ना वायर की माप दी, ना पावर दी, तब तो आप जो मर्जी चाहे वो वायर यूज़ करो, जौन सी मर्जी का डायमेंशन का यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। और आप हमेशा यूज़ करेंगे कौन सा, 6 अपॉन 1 इंटू 2.11 mm ACSR 11 केवी में, और LT लाइन में 3 अपॉन 3.0 mm AAC। अच्छा, जो पीछे याद कीजिए उन्हें एक बार दोहराएं, AAC वाली टेबल को दोहराएं, देखो आपके साथ, चलो दोहराते हैं। देखो 3 अपॉन 3.0 mm से शुरू थी, 108 एम्पियर तक कैरी कर रही थी, ठीक है। उसके बाद 3 अपॉन 3.35 mm AAC 123 एम्पियर करंट तक कैरी कर रही थी। उसके बाद 3 अपॉन 3.66 mm वो 136 एम्पियर तक कैरी कर रही थी। उसके बाद अगर आप आगे वाले देखें, कौन सी थी बताओ, याद आया, 7 अपॉन 1.0 ऐसी कुछ थी, 7 अपॉन 1.0 थी। आप उसको एक बार देख लेते हैं फिर से,
ये थी 7/3.10, सॉरी 7/3.10 179। तो एक मुझे याद नहीं रहा, बाकी मुझे सारे के सारे याद थे। तो आप बहुत इजीली याद कर सकते हो यार, कोई इश्यू तो इसमें है ही नहीं। ACSR की भी क्लियर हो गया, 90% बातें तो क्लियर हो गई ACSR की। बाकी आपको याद कहाँ तक करना है, आपको याद करना है 6/3.00। केवल पांच याद करवा रहा हूँ बस इसमें भी, इसमें तो चार, हाँ 1, 2, 3, 4, केवल चार बार याद करवा रहा हूँ बस, गारंटी से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटेड। और चलो हो सकेगा तो इसमें भी पांच ही याद कर लो, ये वाले यहाँ तक रैबिट तक याद कर लो बस, 193 एम्पियर तक कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा गारंटेड। लेकिन सबसे मजे की बात तो ये है कि 90% क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया होता है कि आप कौन सा वाला वायर यूज़ करेंगे। ठीक है, बहुत आसान, केवल पांच वायर इसमें याद करें, पांच वायर उसमें याद करें, फालतू की चीज़ें सब हटवा दी, याद हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। स्टैंडर्ड कॉपर कंडक्टर, ना तो ये हमें कहीं यूज़ करना और ना मैं इसको आपको याद कराने वाला, इसको हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस। ठीक है, चलिए ये अब कुछ काम की चीज़ आ गई भाई। काम की चीज़ क्या है, काम की चीज़ ये है, प्राइस लिस्ट आ गई। अब प्राइस लिस्ट आपको मैं जल्दी जल्दी पढ़ के सुनाता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ना आपका ना मेरा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वीडियो बना पा रहा हूँ, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले हम पोल की बात करते हैं, दो चार हिंट मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप आगे से याद रखें। देखिए, अगर जब तक पोल ना दिया जाए तो आप 11 kV की लाइन को गांव में अगर लग रही है तो RCC पोल का यूज़ करना, किसी फैक्ट्री के बाहर अगर लग रहे हैं तो रेल पोल का यूज़ करना, और अगर शहर में कहीं लग रहे हैं तो स्टील ट्यूबुलर पोल का यूज़ करना LT लाइन में ऑलवेज। ठीक है, अगला, हमेशा पोल माउंटेड सब स्टेशन में RCC पोल का यूज़ करके देखो, ट्राई करो, अच्छा लगता है। 90% आज भी RCC पोल का यूज़ किया जाता है। वुडन पोल का यूज़ केवल हमको तभी करना है जब क्वेश्चन में स्पेशली कहेगा, और वुडन पोल में हमको केवल ये याद करना है 10 मीटर वाला वुडन पोल 850 रुपये, बाकी ये और ये बेकार बकवास, खत्म। ध्यान रखना, 10 मीटर वुडन पोल 850 रुपये, लकड़ी के पोल सबसे सस्ते आते हैं और सबसे महंगे आते हैं स्टील ट्यूबुलर पोल। ठीक है, स्टील ट्यूबुलर पोल में आपको 11 मीटर वाला याद करना है 2600 रुपये का, और 10 मीटर वाला शायद 2100 रुपये का है, वो आप देख लेना। ठीक है बच्चा, बाकी सब छोड़ो, ये डायमेंशन याद नहीं करनी है, 100 × 125, ये याद नहीं करना है। रेल पोल में आपको दोनों याद कर लेना, 10 मीटर वाला 1750 का और 1100 मीटर वाला 2100 रुपये का। RCC और PCC पोल में दोनों याद कर लेना, 10 मीटर वाला 950 और 11 मीटर वाला 1150। वैसे हमेशा पूछा जाता है केवल RCC वाले में 10 मीटर वाला ही, हम आपने भी अगर यूज़ किया होगा तो 10 मीटर वाला यूज़ किया होगा। अब बात आती है क्रॉस आर्म की, लकड़ी की क्रॉस आर्म हमको याद नहीं करनी है, कहीं यूज नहीं होगी। लोहे वाली क्रॉस आर्म याद करनी है, 1.5 मीटर की 250 रुपये। फिर से सुन लो, क्रॉस आर्म 1.5 मीटर 250 रुपये, 2 मीटर 275 रुपये, बाकी सब बकवास भूल जाओ। फिर से सुन लो क्या कह रहा हूँ मैं, क्रॉस आर 1.5 मीटर की 250 रुपये, 250 रुपये, 250 रुपीस, एंड 2 मीटर की 275 रुपये, 275 रुपीस, बाकी सब भूल जाओ। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूँ। इंसुलेटर्स में, अरे यार इंसुलेटर याद नहीं हुए तुम अभी तक, क्या करोगे फिर। साइकिल इंसुलेटर 2500 रुपये का मेरे दिमाग में छप गया, पिन इंसुलेटर 95, डिस्क इंसुलेटर 95, पिन इंसुलेटर 90, बताओ इससे याद थोड़ी ना कुछ छूटेगा। और LT का पिन इंसुलेटर हमको याद नहीं करना है, ये बकवास चीज़ है, ये हमको याद नहीं करना। ठीक है, पिन इंसुलेटर 11 kV का 90 रुपीस का है, डिस्क इंसुलेटर 95 का है, और स्प्लिट इंसुलेटर हो या फिर स्टे इंसुलेटर की तो कभी ज़रूरत पड़ती नहीं हमें, स्टे की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। स्प्लिट 20 रुपये का, स्प्लिट इंसुलेटर कितने रुपये का, 20 रुपये का। उसके बाद क्लैंप की बारी आती है, क्लैंप में डी क्लैंप तो आपको ऑलरेडी याद है, कितने रुपये का, 68 रुपये का, बाकी स्ट्रेन क्लैंप हमें कभी यूज नहीं करना पड़ेगा, छोड़ देते हैं इसको। तो डी क्लैंप 68 रुपये का, स्ट्रेन क्लैंप यूज नहीं करना पड़ेगा, पैरेलल ग्रूव क्लैंप हमें कभी यूज नहीं करना पड़ेगा, क्रॉस आर्म क्लैंप हमें यूज़ करना पड़ता है 40 रुपये का है, ये सब बकवास छोड़ दो। और ये एफ क्लैंप या फिर अर्थिंग वायर क्लैंप या स्टे क्लैंप या डेंजर बोट का क्लैंप तो ये यूज नहीं करना पड़ता हमें, कितने हो गया, सब 30 रुपये के, याद कर लो एक ही बार में। नट बोल्ट वाशर 15 रुपये का,
बस बात खत्म। सही है ना, क्लियर। अरे अब बताओ, हमें सैकल क्लैंप 68 रुपये और क्रोसाम क्लैंप 40 रुपये, बाकी ये एफ क्लैंप, ई क्लैंप, स्टे क्लैंप, डेंजर बोल्ट क्लैंप, ये सब 30 रुपये के, नट बोल्ट वाशर 15 रुपये के। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी रही बात कंडक्टर्स के याद करने की, तो कंडक्टर्स का क्या है कि कंडक्टर्स को आपको खुद ही याद करना पड़ेगा बाबू, क्योंकि मैं क्या है कि कंडक्टर्स के प्राइस आपको केवल वही वाले याद करने जो 5 और 5 मैंने याद कराए हैं, और मुझे नहीं लगता कि उन 5 और 5 को इतना याद करना बहुत मुश्किल है। जिसमें से नंबर 1 वाला आपको रट लेना है, दिमाग में छाप लेना है, 107 एम्पियर तक ACSR में और 108 एम्पियर तक AAC में। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अच्छा टेबल हेल्पफुल था या नहीं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आपको लगा कि आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नेगलेक्ट की इसमें से, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने हटा दी हैं, क्योंकि मैंने केवल आपके लिए वही रखा जो आपको ज़रूरी था। क्योंकि अगर सारी की सारी टेबल आपको पढ़ानी होती तो वो तो आप खुद भी पढ़ सकते थे, चीज़ों को नेगलेक्शन ही तो आप मेरे से उम्मीद कर रहे थे, तो मैंने चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है आपको याद करने के लिए, केवल आपको 5-5 बैर याद करने और पोल्स में बता दिया क्या क्या याद करना है। क्रोसार्म हमेशा 1.5 मीटर की 250 रुपये, 2 मीटर की 275 रुपये, और इंसुलेटर आपको याद है, साइकिल इंसुलेटर 25 रुपये, पिन इंसुलेटर 90 रुपीज़, डिस्क इंसुलेटर 95 रुपीज़, क्लैंप की बात आती है, केरोसाम क्लैंप 40 रुपये, बाकी सारे क्लैंप 30 रुपये, आई बोल्ट 15 रुपये, और ये सारे के सारे जो बोल्ट वोल्ट हैं, नट बोल्ट वाशर, ये सब 15 रुपये का है। और क्या बचा? और तो कुछ बचा ही नहीं, बायर बचा, बायर को आपको याद कर लेना है। ठीक है बच्चा, कैसा था वीडियो, हेल्पफुल था कि नहीं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगता है कमेंट करते हैं। तो अगर आपको ये टेबल PDF फॉर्मेट में चाहिए हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आपको ईमेल आईडी पता ही है, polytechnicstudy2019@gmail.com, या व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी नोट्स चाहिए हो, व्हाट्सएप नंबर है 8958617732। सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के ग्रुप बने हुए हैं, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओवरहेड लाइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आई होप आप वो सारे वीडियोज़ देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करेंगे। ओके बच्चा, तो एग्ज़ाम से पहले पहले ये टेबल जो मैंने याद करने को दी है आप वो याद कर लें, और मुझे उम्मीद है कि आप वो टेबल मैक्सिमम एक दिन में याद कर लेंगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है मुझे मुँह जुबान याद हो गया है। आप मेरे से चाहें तो अभी मैं आपको सामने वर्ड टू वर्ड रिपीट कर सकता हूँ, वो टेबल जो थी वो सारी की सारी वर्ड टू वर्ड रिपीट कर सकता हूँ। तो बच्चा आपसे भी मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आप तो मेरे से ज़्यादा होशियार है, मेरे से ज़्यादा कैपेबल है। ठीक है बच्चा, चलिए फिर मिलेंगे जल्दी किसी ऐसी वीडियो के साथ, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी।